Speaking of which, getting you that latest election reaction from Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, who spoke to Republic earlier today and responded to Republic's newsbreak on Harish Rawat. Remember, Harish Rawat of the Congress claimed the Congress party's form is down. And now the Chief Minister of the state has said Congress has already admitted to their defeat. Listen in. अब उन्होंने स्वयं अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए उनके मुंह से इस प्रकार की शब्द निकल रहे हैं। किस तरह से उत्तराखंड में आप और कांग्रेस को आप देखते हैं, क्योंकि प्रत्याशी दोनों के ही यहाँ पर लगभग ऐलान हो चुके हैं उनके नाम पर? नहीं, हमने अपने प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी कर दी थी। सभी कार्यकर्ताओं के बीच में से जो रायशुमारी हुई थी, उसी में से सारे नाम हमने केंद्रीय संसदीय बोर्ड को, केंद्रीय जो हमारा चुनाव समिति है उसको भेजे थे। वहाँ से एक एक नामों पर विचार हुआ है, एक एक नाम तय हो गए हैं और जो बचे हुए हैं वो भी जल्दी हो जाएंगे। सारे प्रत्याशी अच्छे हैं, उत्तराखंड की जनता सभी को आशीर्वाद देगी। सर, आपने अभी बीच में हाल ही में कहा था कि जिनको टिकट नहीं मिला है वो निराश ना हो। कुछ लोग जो हैं वो लगातार अपनी बात कहते भी नजर आ रहे, लेकिन आपने कहा पार्टियों ने आगे उनका सम्मान करें, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारा आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है, और टिकट चूँकि एक ही व्यक्ति को मिल सकता है एक स्थान पर, एक जगह पर, हमारे यहाँ टिकटों के दावेदार काफ़ी थे क्योंकि सभी चुनाव में जाना चाहते थे, लेकिन देशकाल परिस्थिति के अनुरूप जिसका भी नाम वहाँ पर ठीक बैठा है उसको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बाकी लोगों का भी पार्टी में सम्मान होगा, उनकी भी कहीं ना कहीं स्तर अलग अलग स्थानों पर उनका भी उपयोग होगा, अलग अलग जगह पर मान सम्मान होगा। पूरी तरह से आश्वस्त हैं 60 पार अब की बार पुष्कर धामी जी? हाँ हाँ, निश्चित रूप से अब की बार 60 पार, और ये कोई मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूँ। हमने जो काम किया है और हमारा जो पार्टी संगठन है, हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडलों के अध्यक्ष हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, सारे के सारे मिलकर काम करेंगे, क्योंकि ये चुनाव हमारा जो है सभी का चुनाव है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ सर, जिस तरह से सर अब इस महीने की बात की जाए, पूरा महीना वर्चुअल निकल जाएगा क्योंकि लगातार आपकी भी बैठकें लगातार चल रही है, वर्चुअल काम कर, कितना मजबूत है उत्तराखंड में वर्चुअल में भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हम वर्चुअल के माध्यम से लगातार संपर्क में हैं, लगातार अपना निवेदन आम जनता के बीच में कर रहे हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारे निवेदन को स्वीकार करेगी और हमें अपना आशीर्वाद देगी। अब उन्होंने स्वयं अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए उनके मुंह से इस प्रकार की शब्द निकल रहे हैं। किस तरह से उत्तराखंड में आप और कांग्रेस को आप देखते हैं, क्योंकि प्रत्याशी दोनों के ही यहाँ पर लगभग ऐलान हो चुके हैं उनके नाम पर? नहीं, हमने अपने प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी कर दी थी। सभी कार्यकर्ताओं के बीच में से जो रायशुमारी हुई थी, उसी में से सारे नाम हमने केंद्रीय संसदीय बोर्ड को, केंद्रीय जो हमारा चुनाव समिति है उसको भेजे थे। वहाँ से एक एक नामों पर विचार हुआ है, एक एक नाम तय हो गए हैं और जो बचे हुए हैं वो भी जल्दी हो जाएंगे। सारे प्रत्याशी अच्छे हैं, उत्तराखंड की जनता सभी को आशीर्वाद देगी। सर, आपने अभी बीच में हाल ही में कहा